Today, Manohar and Ritu Vadia were throwing a party for their son Samir's 12th birthday. आज जो मनोहर और ऋतु हैं, उन्होंने ऋतु वादिया उन्होंने अपने बेटे समीर के 12वें जन्मदिन पर आज उन्होंने क्या दिया है, स्टूडेंट्स पार्टी. मनोहर एंड ऋतु वादिया वर थ्रोइंग अ पार्टी. समीर्स कजन अमित, कनिका एंड सिखा हैड कम विद देयर पेरेंट्स टू अटेंड द पार्टी. समीर के जो स्टूडेंट्स कजन है, चचेरे भाई बहन अमित, कनिका और सिखा, वे भी आए थे अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उस पार्टी को अटेंड करने के लिए. दे लिव्ड क्लोज बाय इन द नेक्स्ट टर्न. वो उन जो क्या कहते हैं उनके जो कजन है, वो पास के ही नियर बाय ही के टाउन में, गांव में रहते थे. समीर हैड टोल्ड हिज कजन अबाउट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द डिसअपीयरिंग. जो क्या कहते हैं स्टूडेंट, समीर था, उसने अपने कजन जो भी कनिका, अमित एंड सिखा थे, उनको जो अनसॉल्व्ड, जो अनसुलझी जो मिस्ट्री रहस्य थे, जो कि खाना, जो बचा हुआ खाना जो होता था जो पार्टी के अगले दिन वो गायब हो जाता था, उस अनसुलझी रहस्य के बारे में अपने कजनों को बताया. एंड लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम ईच पार्टी टेकिंग प्लेस सालरगंज. Never fear Samir. जो स्टूडेंट समीर था, वो कभी डरता नहीं था. The thief will be catch this time, said Amit. Confidence well up till now. No one has been able to nab the culprit, replied Sam. People must be leaving their doors unlocked at night, added Kanika. Yeah, that has to be द रीजन, सेप्ट वेवेकेयर्स. सिखा वॉज द यंगेस्ट ऑफ देन ऑल. सून एट इवनिंग एंड द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग. देखिए स्टूडेंट्स, जो क्या कहते हैं उन सभी ने अपने अपने रीजन दिए. क्या पता कि जो डोर है वो खुले हुए रह जाते होंगे, विंडो, तो सभी ने अपने अपने रीजन दिए. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहते हैं उसके बाद, सून जल्दी ही इट वॉज इवनिंग एंड द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग. समीर सन, समीर स्कूल फ्रेंड्स केम विद the chocolate cake, sandwich, bread rolls and the assortment of the sweetmeats were laid the table. Students, ये सभी जो हैं, क्या कहते हैं, बिछे हुए थे tables पर सारी चीजें. chocolates, cake जो थे, sandwich थे, bread वगैरह, assortment मिठाइयाँ वगैरह सारी थी. After the party, party के बाद Samir's mother instructed the servant to put away the over goodies for the kids to have for breakfast next morning. पार्टी के खत्म होने के बाद, पार्टी आफ्टर द पार्टी, समीर की जो मम्मी थी उन्होंने सर्वेंट को क्या कहते हैं इंस्ट्रक्ट किया, क्या आदेश दिया, उन्हें ये बोला कि जो भी बचा हुआ खाना है पार्टी का, जो भी ओवर गुडीज है, उनको अगली सुबह के लिए रख देने के लिए, ताकि बच्चे जो है किड्स टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अगली सुबह उसे ब्रेकफास्ट कर सके. बिफोर गोइंग टू बेड समीर एंड हिज थ्री कजन चेक्ड ऑल द डोर्स एंड विंडो. Before going to bed, बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले, समीर एंड हिज थ्री कजन, समीर और जो उसके तीन कजन आए हुए थे अमित, सिखा एंड कनिका, उन्होंने सभी ने सारे डोर्स जो है वो चेक किए एंड विंडो, और सारी खिड़कियों को भी चेक किए. दे वर ऑल लॉक्ड. वे सारे स्टूडेंट्स क्या थे, लॉक थे, बंद थे. आई थिंक आई विल कीप अ वॉक टू चेक इफ एनी वन ब्रेक्स इन, सेड कनिका. कनिका ने कहा स्टूडेंट्स कि आई थिंक आई विल कीप अ वॉक, हम जगह रहेंगे, हम चेक कर सकते हैं कि कौन ही काम करेगा, एनीवन ब्रेक्स इन. आई विल गिव यू कंपनी, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, सेड हर ब्रदर. उसके भाई ने कहा कि द चिल्ड्रन कीप चेकिंग द किचन एंड फाउंड एवरीथिंग इन प्लेस. बच्चों ने चेक किया तो सभी जो चीजें थी वो किचन में, जो भी सामान था सारा किचन में ही रखा हुआ था.